रसल, उन्होंने समझा कि हमारे फरूर रख दिया है, यकीन कोई चीज भगत वाली है। आस्ता आस्ता चुगना चटना शुरू हो गया और वही जानी इलाह बन गए। दुनिया में जितने झूठे इलाह बने वो तस्वीर से बने। मुसलमानों खुदा का खौफ करो, अगली सौ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने गैरत तो नीलाम कर दिया। क्या तुम जवाब दोगे क्या मतलब अल्लाह के भले तस्वीर लिए फिरते हो, तुम्हें बेचते हो, हराम खाते हो, हराम खिलाते, तुम पर दर्द माफ रही अल्लाह की। ये वो जमात है जिसकी कदम कदम अल्लाह की रहमत थी, जिसकी एक एक नजर पर अल्लाह की रहमत थी, एक एक दूसरे पर अल्लाह की रहमत थी, आज तुम पर दर्द माफ रही। खामोश, कोई नारा नहीं लगाओ, बात सुनने की कोशिश करो। नारे का मैदान नहीं है, नारे वाला वक्त गुजर गया। आप अपनी जी शाह के सामने नारे का कोई किसी को नहीं है, बात सुनो मेरे। ये तुम्हारा हाल है, तुमने शर्क की बुनियाद डाल दी है। जिस काम को अल्लाह के सोन लायक भेजे उसको तुम गले लगाते हो, उस काम को तुम बेहतर समझते हो, उस काम पे फसल करते हो, डूब के नहीं मरते। तुम्हें जीने का क्या हक है यहाँ? खुदा के वास्ते या डूब के मर जाओ या हम इसे लेकर लगाओ, कोई तुम्हें हक लाने का नहीं। चुनावे कभी कौन तुम्हें कर जाएगी? खुलत मुलाजों की मुखाल करते हो, जस्ट ऊपर फोटो छपे हुए, ये तो सूद देते हो, हराम देते हो, हराम खा रहे हो, हम खिला रहे हो, मुंतजमीन को क्या मतलब जला पकड़ा जाएगा, तुमने ये हराम क्यों खिलाए लोगों को? हालांकि अल्लाह तुम्हें लानत फरमाए, अल्लाह की लानत है उसको हम पर सूद बेचती है, ये सूरतें बना दी। ये शर्क की बुनियाद यूं शुरू होती। क्या कहा था इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने साथियों को, अपने कौन के लोग को क्या कहा? महाजिक तमाशी दुनिया अंत मल्हा आगे हूं। ये क्या सूरतें हैं, ये क्या मिसालें हैं, ये क्या सिफारे हैं जिनके आगे तुम घुटने टेक के बैठे हो? आज तुम आजुही पार्टी शुरू हो गई, नाम अजीज का लेवल लगाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम आजुही वाला कहते हो, अपने आपको अजीज कहलाते हो? खुदा के वास्ते अजीज को बदनाम न करो। वो अजीज मर गए जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देते थे, वो अजीज मर गए जो तौहीद पर जान देते। आज नमाशी अजीज है, मुनाफिक अजीज है। मैं साफ कहता हूं तुमको, मेरा सीना कसम खुदा की जल गया है तुम्हारी हालत को देखकर। ये वो काम थी जो शरीफ तो शरीफ के खिलाफ इनकी आवाज थी, ये वो काम थी सूरत के खिलाफ इनकी आवाज थी, लड़ते थे झगड़ते थे, आज वो चीज सीने लगा थी। मेरे भाइयों, मैं एक मिसाल रखूं आपके सामने, जितनी सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, किसी आदमी को अपने पीर से या लीडर से या कायद से या मुर्शिद से या इमाम से या काजी से या हाकिम से या सदर से या नवाब से मोहब्बत हो सकती है? किसी मजहब का आदमी हो, किसी फिरके का आदमी हो, लेकिन अपने लीडर से मैं दावे से कहता हूँ किसी की आज तक मोहब्बत न हुई है न हो सकती है जिस तरह सहाबा को रसूल से मोहब्बत। लेकिन कभी उन्होंने आपका मूड बनाया कि हम यादगार बनाएंगे? मौलवी साल मौलवी में मैं पूछो मौलवी से, जो जवाब मौलवी मुझे मौलवी जवाब दो, तुम क्यों शैतान अखल बने बैठे हो? शैतान अखल सुन के शैतान बने वो बैठे हो, क्यों नहीं रोकते इनको? खुदा क्या तो तुमको पकड़ा कि जवाब जला होगा तुम पकड़ जाओगे, और यह भी कहेंगे कि हाँ होता तो मौलवी हमको रोकते। मैं कहता हूं उनको मोहब्बत थी इतनी, बता सको किसी सहाबी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल बना के अपने पास रखी, फोटो बना के रखा, आप मिसाल दे सकते हो? नहीं। यादगार रसूलुल्लाह की क्या थी? उनको यादगार से मोहब्बत थी, उन्होंने यादगार रखी, यादगार को पसंद करते थे, चाहते थे, लेकिन वो यादगार क्या थी? आपकी सूरत नहीं, आपकी सीरत।